नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि रेलवे के 11.27 लाख कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। रेल विभाग के 11,27,000 कर्मचारियों को हर वर्ष दशहरा पूजा के अवसर पर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाता है और इस बार 11,27,000 एम्प्लॉयज को 1,832 करोड़ रुपये का ये इंसेंटिव दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा जो 78 दिन का बोनस होगा और 17,951 रुपये जो है ये मैक्सिमम उसकी लिमिट रहेगी जो 78 दिन के लिए है। एलिजिबिलिटी जो है इसमें ट्रैक मेंटेनर्स, ड्राइवर्स, गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, टेक्निकल हेल्पर, कंट्रोलर, पॉइंट्समैन और ग्रुप सी के स्टाफ, ये सब लोग उसमें रहते हैं। 1,832 करोड़ का लाभ ये प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस रेल कर्मचारियों को दिया गया है।